मैं हूं सानिया एजीसी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। डीआरआई मुंबई ने करीब 40 करोड़ रुपए कीमत का 86.5 किलोग्राम अमेरिकी गांजा जब्त किया है और इस संबंध में मुंबई से दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि डीआरआई की मुंबई जोनल इकाई ने एआर कार्गो कॉम्प्लेक्स के कुरियर टर्मिनल में अमेरिकी मूल की दो खेप पकड़ी है। वहीं दूसरी ओर एनसीबी की तरफ से भी कार्रवाई की गई, जिसमें 50 करोड़ का ड्रग्स बरामद किया गया है। इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस ड्रग्स का वजन 7 किलो था और बड़े शातिर तरीके से इसे बैग के अंदर छिपाकर लाया जाता था और बड़े पैमाने में इंटरनेशनल मार्केटिंग की जाती थी। एनसीबी ने दिल्ली में ये ड्रग्स बरामद किया है, जिसका लिंक मुंबई के एक होटल से जुड़ा हुआ था, जिसमें 4 इथियोपियन और एक हिंदुस्तानी महिला को पकड़ा गया है।